दादी माँ के घरेलू नुस्खे 22 बेस्ट किचन टिप्स। हल्के हाथों से अपने चेहरे की नीचे की ओर मालिश करें, खास तौर पर थोड़ी सी गर्दन तक मालिश करें। इससे रक्तचाप बढ़ता है, डबल चिन कम होती है, तो जिनके डबल चिन की दिक्कत है उनको ये काम जरूर करना चाहिए, जिससे डबल चिन की दिक्कत दूर होगी। नंबर 2, कम उम्र में पड़ने वाली झुर्रियों को दूर करने के लिए आप कोलेजन का उत्पादन दुरुस्त करने में विटामिन सी भी जरूरी माना जाता है। इससे स्किन को तो एंटी एजिंग फ़ायदे तो मिलते ही हैं, साथ ही इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। खट्टे फलों की मदद से आप शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको बेचैनी या थकान महसूस होने लगे तो अनार के जूस में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर पी लें। इससे आपको बेचैनी और थकान दूर हो जाएगी। नंबर 4, अगर आपके चेहरे पर झाइया या झुर्रियाँ आने लगी है तो आप रोज़ाना एलोवेरा से 5 मिनट तक मसाज जरूर करें। एलोवेरा से मसाज करने से आपकी झाइया धीरे धीरे बिल्कुल कम होके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, रोज़ाना सुबह भीगी हुई 4 से 5 बादाम खाने से आपके कभी भी शुगर और दिल की दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये नियम ही बना लें कि सुबह भीगी हुई बादाम जरूर खाएं, या तो दूध में मिला के खाएं या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं। नंबर 6, टमाटर का सूप त्वचा आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे वजन भी कम होता है। नंबर 7, बरसात के दिनों में ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं तो बरसात के दिनों में ज़्यादा हैवी या फिर ऑयली मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने से बचें। थोड़ी थोड़ी देर में अपने चेहरे को पानी से धोते रहें, इससे आप पिंपल से बचे रहेंगे। नंबर 8, नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है, जो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये मानसून में विशेष रूप से सहायक होती है, क्योंकि एक नाशपाती आपके दैनिक आहार में जरूरी विटामिन सी के लगभग 12% भाग की पूर्ति कर सकती है। तो अभी नाशपाती का सीजन चल रहा है, तो आप रोज़ाना अपनी डाइट में नाशपाती का सेवन जरूर करें। नंबर 9, बर्तन साफ़ करने के बाद हाथ खुरदरे हो जाते हैं, हाथों के ऊपर मलाई में थोड़ा सा नींबू डालकर हाथों की मालिश करें, इससे हाथ नरम और मुलायम रहेंगे। नंबर 10, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं और आपके होंठ गहरे लाल हैं तो इसका मतलब है, हो सकता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको डायरिया, एसिडिटी या कब्ज की समस्या हो सकती है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए आपको प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। कई बार होठों का लाल रंग लीवर की प्रॉब्लम को भी बताता है। नंबर 11, 50 ग्राम इलायची को तवे पर भूनते हुए जला लीजिए। ठंडी होने के बाद इलायची को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को रोज़ाना खाली पेट लेने से बवासीर की दिक्कत दूर होती है। जिनके बवासीर की दिक्कत है उनको भूनकर इलायची को पाउडर बनाकर लेना चाहिए। 12, कच्चे दूध में बादाम को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को चेहरे पर 10 मिनट तक रहने दें। बाद में इसको मसाज करते हुए साफ कर लें, इससे चेहरे पर बहुत ही अच्छी चमक आती है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, झाइयाँ नहीं होती। नंबर 13, अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं तो आप कच्चे दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 5 से 7 मिनट रहने दें। उसके बाद में हल्का सा हाथों पर दूध लें और चेहरे की 2-3 मिनट तक मसाज करते हुए चेहरे को साफ कर लें, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। नंबर 14, अगर आपके लीवर में दिक्कत है तो आपको खाली पेट तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनके लीवर में दिक्कत है उनको तरबूज खाली पेट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 15, अगर आपको वजन कम करना है तो दही में काला नमक और काली मिर्च मिलाकर खाना शुरू कर दें, इससे आपका वजन कम होगा। नंबर 16, जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है उनको रात के वक्त अजवाइन खा के गुनगुना पानी पी लें, और सुबह के वक्त
पपीता खाएं, इससे उनका पेट साफ होगा। नंबर 17, हाथों की चर्बी कम करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज से दिल की धड़कन बढ़ती है और शरीर से ज़्यादा मात्रा में कैलोरी बर्न होती है। इससे हाथों की चर्बी कम होने में मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना 20 से 40 मिनट तक कार्डियो करना काफ़ी होता है। जॉगिंग, बाइकिंग, रोइंग, तैराकी, रस्सी कूदना और नृत्य जैसी गतिविधियां कार्डियो का हिस्सा है। कई घरेलू काम करके भी आप अपने हाथों की चर्बी कम कर सकते हैं। तो जिनके हाथों की चर्बी ज़्यादा है उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए। नंबर 18, अंगूर आँखों के लिए बेहतर होता है और गुर्दे में पथरी नहीं होने देता है। नंबर 19, केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 20, अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने का सेवन करें, इससे आपके शरीर का दुबलापन दूर होगा। नंबर 21, खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, इससे बहरापन आता है। नंबर 22, मुनक्का खाकर ऊपर से दूध पीने से खून की कमी दूर होती है और वज़न भी बढ़ता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।